रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। हिरासत में लिए गए ग्रामीण की थाने में हुई मौत, दौड़े पुलिस अधिकारी बलरामपुर। यूपी के बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस शख्स को जमीनी विवाद के मामले में शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया था। पुलिस कस्टडी में मौत की खबर से पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए और मौका मुआयना के साथ ही हरहिया थाना प्रभारी से मामले की जानकारी ली। मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के हरहिया थाने का है। 1 जून 2018 को थाना क्षेत्र अंतर्गत विशुनपुर दीनानगर गांव के रहने वाले अली मोहम्मद ने आबादी की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर थाने में शिकायत की थी, जिसकी जांच के लिए थाने से एक दारोगा दल बल के साथ गांव में पहुंचा और शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका में दोनों पक्ष के दो दो लोगों को थाने ले आए। रात भर थाने में रहने के बाद अब्दुल सलाम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। 2 जून की सुबह आनन फानन में प्रभारी निरीक्षक अब्दुल सलाम को CHC शिवपुरा लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने अब्दुल सलाम को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही SP, SP, ADM, CO, SDM सहित तमाम पुलिस व प्रशासनिक अमला अस्पताल पहुंच गया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए एक व्यक्ति की मौत की जानकारी हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।